अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। प्राइवेट चिकित्सकों की दवा व इलाज के नाम पर चली आ रही लूट के विरोध में सपा विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन आज चौथे दिन भी जारी रहा। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जितनी भी वेट मशीन वहां लाई गई सभी में विधायक का वजन अलग अलग शो हुआ। इसे लेकर वहां काफी देर तक वाद विवाद की स्थिति बनी रही। अतुल प्रधान ने कहा है कि यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, भले ही आसान न लेकिन वह जारी रहेगी। तमाम संगठनों के साथ ही आज रालोद ने भी अतुल प्रधान के आंदोलन को जनहित से जुड़ा बताते हुए अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। गठबंधन की विधानसभा चुनाव प्रत्याशी मनीषा अहलावत ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन देने व अधिक से अधिक भीड़ जुटाने की बात कही। उधर एमडीए के सीलिंग के प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट पहुंचे न्यूटिमा हॉस्पिटल को कोर्ट से राहत मिली अथवा नहीं, इसे लेकर अभी भी दुविधा बनी हुई है। इस विवाद का स्टेटस डिस्पोज शो होने से जब तक लिखित आदेश की प्राप्ति नहीं हो जाती यह कहना मुश्किल होगा कि राहत के ऊंट ने किस तरफ करवट ली है, न्यूटिमा अथवा मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर। हाँ, डिस्पोज का आशय इतना जरूर निकाला जा रहा है कि हाईकोर्ट ने अपने स्तर से इस मामले का निस्तारण कर दिया है। किस पक्ष में, इस जवाब की तलाश में सभी की निगाहें लगी हुई है। अब रुख करते हैं कलेक्ट्रेट पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान की। अतुल के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। यह आमरण अनशन चिकित्सकों पर दवा व इलाज के नाम पर लूट मचाने का आरोप लगाते हुए किया जा रहा है। आज चौथे दिन स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान यह नजारा देखने आया। और अमर अनशन भूख हड़ताल करना आसान काम नहीं है, ये सत्याग्रह, ये हम लोगों ने सोच समझ किया जिससे लोग अवेयर हो जाके सब डाल दूंगा। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। एफिडेविट है भैया, सब लोगों को दिखा रहा हूँ। बात खत्म, थोड़ा पीछे हो जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 11 तारीख को सभी संगठन जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, बैठ के दिया भाषण, जो संगठन हमारा समर्थन कर रहे हैं हम सब लोगों को बुलाएंगे। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, टीचर्स हैं, बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आते हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बिल्कुल ग्यारह या कम की बात नहीं, फर्क आएगा। मार्बल मशीन में फर्क होता है, बिल्कुल होता है। रुकने दीजिए सर, वो यार इसमें भी सेम आ रहा है। नहीं नहीं, उसमें 98 था, इसमें 92 आ गया। 6 किलो का तो आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है? 6 किलो का। अरे बाप रे, अभी तो बहुत आ रहा था, 50 किलो का आ रहा था। सीधी सीधी ना होया अभी भी। हां, यही हूं, करना पड़ेगा, उतरना। लो जी, रखना। ये 90 है, 90। 1 किलो का पड़ा, 98.3। दो मशीन होगा ना, सेंसर दोनों तरफ, एक इधर एक इधर रखा है, दोनों तरफ रखो ना, एक इधर एक इधर का। मान रहे हो तुम? नहीं मान? हाँ मान रहे हैं भाई, चलिए इतना भी नहीं। अब 97 आ गया जी इसका, अभी 98.5 था। अच्छा करिए, कर कम हो जाएगा। क्या होती है इनका भी देख लो, क्या हो गया, मुसीबत आ गई क्या कोई? मन कर रहा भैया, भैया सपने में मतलब भटूरे हम बनवाएंगे लोग। अच्छा, इस मौके पर रालोद समाजवादी पार्टी गठबंधन की विधानसभा चुनाव प्रत्याशी मनीषा अहलावत ने यह कहा। जैन चौधरी द्वारा मैसेज दिया गया, क्या कहना चाहती हैं? चौथा दिन आज अब तक कोई सुनवाई नहीं। देखिए, बहुत ही कठिन लड़ाई है जो मैं बोल चुकी हूँ। ये एक अस्पताल की, एक क्षेत्र की, एक शहर की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था की है।
ये हमारे पूरे देश में है। अब हम निर्भर हैं, वैसे तो बोलते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे, पर अब हम निर्भर हैं एक किसी डॉक्टर की, इंसान की दया पर, क्योंकि सिस्टम अगर चाहे और सिस्टम चाहता है कि गरीब को तो एक्सेस नहीं मिलती सुविधाओं की, गांव में पीएचसी सीएचसी खाली पड़े, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, मशीन है तो चलाने वाले नहीं है, तो क्यों नहीं हम प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे? आप सब भी देखिए, सभी बीमार पड़ते हैं, हम सभी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जानते हैं जब हमारी जेब में पैसा है तो इलाज है, नहीं है तो बहुत मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल है। मतलब मैंने देख, आपने न्यूज में भी देखा है, सड़कों पर बच्चे जने जा रहे हैं, तो ये सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है उसका ही एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि प्राइवेट अस्पतालों को खुली छूट मिल गई है। आप और आरएलडी किस तरीके से समर्थन आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। तो हमारा पूरा समर्थन है और हम इसमें जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे, हमारे अपने क्षेत्रों में हम घर घर जाकर ये जागरूकता बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ेंगे, और लोग जुड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल दुखती रग है सभी की। आज समाजवादी विधायक अतुल प्रधान ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी करते हुए आरोप के घेरे में खड़े प्राइवेट चिकित्सकों से अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की बात कही। अतुल प्रधान ने इस मौके पर यह कहा, और अमर अनशन भूख हड़ताल करना आसान काम नहीं है, ये सत्याग्रह, ये हम लोगों ने सोच समझ किया जिससे लोग अवेयर हो जाए। सब डाल दूंगा, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। ये जो लड़ाई हमारी है, ये पूरी की पूरी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है, जो सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में जब नया रूप तब आया जब निजी अस्पतालों की लूट बहुत बढ़ गई, सरकारी अस्पतालों में इलाज लोगों को मुहैया नहीं हो पाता, और सरकारी इलाज में, सरकारी अस्पतालों में लोग बिना इलाज के वापस लौट जाते हैं। सीएससी देखिए, पीएससी देखिए, आपके मेडिकल कॉलेज देखिए, जिला अस्पताल देखिए, ऐसी व्यवस्था बन गई सब जगह कि डॉक्टर्स की भारी कमी है, नर्सिंग स्टाफ है नहीं, मशीनें है नहीं, और हैं तो उनको चलाने वाले नहीं, तो ऐसे में लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं। तो जब प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं और वहां देखते हैं कि भारी लूट, और ऐसी लूट जिससे इस समय आम आदमी हलकान है, परेशान है, दिक्कत में है, दुविधा में है, ऐसी दुविधा दिक्कत को देखते हुए हमने कहा कि 200 रुपए कोरोना के समय में जो डॉक्टर्स ने फीस बढ़ाई थी, हमारा आईएमए से अनुरोध है और डॉक्टर्स से अनुरोध है कि 200 रुपए से ज्यादा फीस परामर्श शुल्क के रूप में ना लें। 200 रुपए बहुत होते हैं, एक दिन में 50 मरीज, 100 मरीज, कई कई तो डॉक्टर 200-250 विजिट कर दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उन्हें 200 रुपए से ज्यादा परामर्श शुल्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मेडिकल जो निजी अस्पताल हैं, कई जगह अस्पताल सरकारी अस्पतालों के इर्द गिर्द हैं, तो सरकार ये देखे कि वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं। हमारा कहना यह है कि अस्पतालों के अंदर, निजी अस्पतालों के अंदर जो मेडिकल स्टोर हैं, या तो वो बाहर जाएं, या फिर सरकार व्यवस्था करे, आईएमए के साथी व्यवस्था करें कि जो दवाई डॉक्टर लिखे वो सारे अस्पतालों के या सारे बाहर जो मेडिकल स्टोर हैं सब पर मिले, जिससे आम आदमी पिसने से बच जाए। ये आम आदमी के साथ जो एमआरपी के नाम पर लूट हो रही है, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। ड्रग्स वाले लोगों ने, केमिस्ट लोगों ने, तमाम साथियों ने पहले भी कहा है कि जो दवाई 10 रुपए की है उसको 100 रुपए चार्ज किया जा रहा है, मतलब कई जगह 10 गुना, 20 गुना, और कई कई जगह 100-100 गुना आपके इंजेक्शंस में पैसे एमआरपी बढ़ाकर लिए जा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तीसरा, लैब की जो व्यवस्था है,
वो भी अस्पताल से बाहर हो या कहीं पर भी जांच हो, उसे हर अस्पताल का व्यक्ति माने। जितने भी लैब, एमआरआई सेंटर या जो भी ऐसी जगह हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, उनमें अगर कोई घपला है, डॉक्टर एक से ज्यादा ज्यादा जगह पर अपने प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं, तो सीएमओ को उसकी जांच करनी चाहिए। अभी प्रकरण न्यूट्रीमा का हुआ, तो न्यूट्रीमा अकेला अस्पताल नहीं है जिसके विषय में हम लड़ रहे हैं। हम पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं। जो व्यवस्था लोगों को ठगने का काम कर रही हो, लूट तंत्र के रूप में विकसित हो रही हो, मैं सारे पत्रकार साथियों से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज मेरी भूख हड़ताल का चौथा दिन है और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक मैं इस लड़ाई को लड़ सकता हूं लड़ूं। तमाम साथी, तमाम संगठनों का हमें सहयोग मिल रहा है, राजनीतिक दल भी सहयोग कर रहे हैं, किसान संगठन भी मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, व्यापार प्रकोष्ठ के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, संगठन हमारा साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और गांव देहात से लेकर गरीब गुरबा लोगों का मन मस्तिष्क इस आंदोलन को सही बता रहा है। और ये आंदोलन आने वाले समय पर जन आंदोलन के रूप में तब्दील होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट जानने के लिए देखते रहिए आप फर्स्ट पॉइंट।